जो गवर्नमेंट सेक्टर हैं जैसे स्कूल, कॉलेज, रोडवेज, नगर पालिका, यहाँ पे सरकार लंबे समय से संविदा पे कर्मचारियों को रख रही है। इस कानून के जो भी प्रावधान हैं उन पे तो लागू होंगे क्योंकि सरकार के हाथ में है। और खास बात ये है कि ये सारे स्थायी रोजगार हैं, लेकिन उन स्थायी रोजगार पे निश्चित अवधि के लिए रोजगार पे लोगों को रखती है इस देश की सरकार। वही सरकार इस कानून को जब लागू कर रही है तो वो कह रही है कि स्थायी रोजगारों पे असर नहीं पड़ेगा। अब प्राइवेट सेक्टर में जब ये कानून लागू होगा तो साफ सी बात है सरकार इस बात पे चुप्पी साधे हुए कि जो स्थायी मजदूर हैं उनकी छंटनी होगी कि नहीं होगी। अब अगर स्थायी मतलब प्राइवेट सेक्टर में ये निश्चित अवधि रोजगार की परियोजना लागू होगी, ये कानून लागू होगा, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि इस निश्चित अवधि के रोजगार पे कार्यरत वर्कर को मिनिमम वेज भी नहीं दी जाएगी। क्यों मिनिमम वेज नहीं दी जाएगी? क्योंकि उसके पास कोई जो है कानूनी कवर नहीं। मान लो 6 महीने के लिए रखा गया, उसको मिनिमम वेज नहीं दी और वो जाके कहीं शिकायत करता है तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा और वो मजबूर होगा कि वो शिकायत नहीं करे। उसको मिनिमम वेज पे स्लेव की कंडीशन में, एक गुलाम की कंडीशन में उसको काम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा क्योंकि वो 6 महीने का, और 6 महीने बाद फिर इंक्रीज कर दिया जाएगा 6 महीने के लिए उसका मतलब अपॉइंटमेंट। अब दूसरी बात, 240 दिन होने के बाद वो कोर्ट में जाता है, साहब एक निश्चित अवधि हो गई है, एक कैलेंडर ईयर में 240 दिन हो गए, मेरे को परमानेंट होने का अधिकार है। अब वो कोर्ट में नहीं जा सकता है क्योंकि उसके पास कोई जो है कानूनी कवर नहीं है, कोई अम्ब्रेला, कानून का अम्ब्रेला नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, यूनियन बनाने का अधिकार, इसके पास कौन सा यूनियन बनाने का अधिकार है? क्योंकि ये 6 महीने के लिए रखा गया, फिर 6 महीने एक्सटेंड कर दिया, फिर 6 महीने एक्सटेंड कर दिया। इसके पास संगठित होने का, ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत जो इसको कवर मिला हुआ था, ये सारे कवर से ये परे हो जाएगा। अब एक तीर से सरकार ने जो है कई एक निशाने जो है साध लिए। लुभावनी जितनी बातें हैं वो एकदम मजदूरों के मतलब ये जितनी बातें वो कर रहे हैं मजदूरों के ऊपर सीधे 150 साल पुरानी स्थितियों में धकेलने का ये कानून, जिसमें उसके पास कोई कानूनी कवर नहीं होगा। जो 44 कानूनों को एक मतलब 4 कोड ऑफ कंडक्ट में जो है सरकार तब्दील करने जा रही है, ये कानून जो है उसमें बहुत बड़ा जो है उसने जो है सरकार के सामने जो पूंजीपति डिमांड कर रहे थे रखो और निकालो का खुला छूट उनको दी जाए, तो 16 मार्च 2018 से फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट लागू करके सरकार ने पूंजीपतियों को लूट की खुली छूट दे दी। कारपोरेट जगत जिस मंशा के साथ जो है मोदी सरकार को लेके आया, कब्रिस्तान और शमशान की बात करते हुए, उसने मजदूरों और किसानों के जितने हम के ऊपर जो भी हमले किए हैं उनको कम से कम 100 साल पुरानी दस्ता में धकेलने में जो है मील के पत्थर वाले जो हैं ये हमले साबित होंगे स्थितियाँ। दूसरी, ये जो फिक्स टर्म एम्प्लॉई है, इस फिक्स टर्म एम्प्लॉई के पास कानूनी अधिकार ना होने के साथ साथ जो अपनी इसकी वर्किंग कंडीशंस हैं वो वर्किंग कंडीशन के मामले में भी कोई इसके पास जो है प्रावधान नहीं है। भाई वर्कर जो है खाली तनख्वाह के लिए नहीं करता, अपनी वर्किंग कंडीशन को बेटर करने के लिए भी यूनियन बना के संघर्ष करता है, नहीं तो उसकी वर्किंग कंडीशन इतनी बुरी स्थितियां हो जा रही हैं। भारत में तो यहाँ गुड़गांव में देखते हैं एसपीएम कंपनी है जिसमें 5 वर्कर जो है कार्यस्थल पर मर गए पिछले 4-5 साल में। खरोसी नाम की बीमारी जापान में जिसमें काम करते हुए वर्कर मर जा रहा है, वर्किंग लोड। अब ये वर्कलोड ये किसी भी स्थिति के खिलाफ कोई आवाज ही नहीं उठा सकता है क्योंकि इसके पास कोई कवर नहीं। सरकार ने पूंजी को एकदम लूट की खुली छूट दे दी है और ये कानून इसी का प्रावधान है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जब ठेका प्रथा लागू हुई तो हमने सोचा कि ये बहुत बड़ा मजदूरों पर हमला है, अब सरकार यहां पर रुक जाएगी। साथ ही 1991 में जो भी प्रोडक्शन कास्ट आती थी उसमें 30% हिस्सा वर्कर का हुआ करता था, आज वो 5% लेके आ गई। और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, नीम परियोजना, प्रधानमंत्री कौशल योजना, बड़े अच्छे अच्छे नाम है, इन सारी चीजों से ये जो 5% वर्कर का हिस्सा है उसको 4% लाने का और 3% लाने का इनका प्लान है। मजदूर इसका विरोध अगर नहीं करता है तो स्थितियां वो आ जाएंगी कि मजदूरों के पास कम से कम जो अधिकार हासिल किए थे वो अधिकार जो है नहीं बचेंगे और पूरी तरीके से मजदूरों के ऊपर मतलब उनको जो है 150 साल पुरानी स्थितियों में धकेला जाएगा।